तालाब में तब्दील हुआ स्टेडियम। बारिश ने खोली दावों की पोल, स्टेडियम में नहीं पानी निकासी की व्यवस्था। पानी से भरी जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो किसी तालाब, नहर या जोहड़ की नहीं है। यह झज्जर का वो स्टेडियम है जहां कई खिलाड़ी अपनी प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन प्रशासन की अनदेखी ने इस स्टेडियम को बदहाल करके रख दिया। हालांकि स्टेडियम का प्रशासन ये कह रहा है कि बारिश के चलते स्टेडियम के हालात ऐसे बने हैं, लेकिन हर कोई जानता है कि अगर पानी निकासी के पूरे इंतजाम होते तो स्टेडियम की तस्वीर सामने न आती, फिर चाहे कितनी ही बारिश क्यों न होती। झज्जर ऐसा जिला है जिसने टोक्यो ओलंपिक के लिए बजरंग पुनिया और मनु भाकर जैसे 5 होनहार खिलाड़ी दिए हैं, और ये जिला इसी तरह और भी खिलाड़ी देने का मादा रखता है। लेकिन जो हालात स्टेडियम के आप देख रहे हैं उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये स्टेडियम किस कदर प्रशासन की अनदेखी का शिकार बना हुआ है। हम इस समय झज्जर के इकलौते स्टेडियम में खड़े हैं। ये बागदहारा स्टेडियम है झज्जर जिला में। अब जो टोक्यो में 5 लोगों का सिलेक्शन हुआ है उसमें बजरंग पुनिया हो, मनु भाकर हो, वो कहीं ना कहीं मेडल के प्रबल दावेदार है। हम ये बातें इसलिए बता रहे हैं कि झज्जर के स्टेडियम का एक बार आपको नजारा दिखाते हैं। हालांकि सुविधाएं यहाँ पर है, बिल्डिंगें यहाँ पर बनी हुई है, हॉकी ग्राउंड यहाँ पर है, बॉक्सिंग हॉल यहाँ पर है, टेबल टेनिस यहाँ पर है, लॉन टेनिस है, ताई कमांडो है, सभी तरह के यहाँ पर कोच तो हैं, लेकिन जो बदहाली का आलम है वो इस तरह है कि ये पूरी तरह स्विमिंग पूल दिखाई दे रहा है। यहाँ से स्टेडियम बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है, तालाब के रूप में दिखाई देता है। जैसे गाँव में झोड़ या तालाब भर जाते हैं उस तरह का नजारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इस स्टेडियम में हर तरह के खेलों के लिए जगह तैयार की गई है, फिर चाहे वो कुश्ती हो, बॉक्सिंग हो, हॉकी हो, हर तरह की सुविधाएं इस स्टेडियम में है। लेकिन कुछ नहीं है तो वो है पानी निकासी की व्यवस्था, क्योंकि अगर पानी निकासी की व्यवस्था होती तो एक दिन में पानी सूख चुका होता। झज्जर में सोमवार को बारिश हुई थी, मंगलवार को जिले में बारिश नहीं हुई, जिसके बाद भी यहाँ के हाल क्या है ये तस्वीरें बयां कर रही है। झज्जर जिले को प्रशासन की तरफ से येलो जोन में रखा गया था, लेकिन इसे भी अब रेड जोन में डाल दिया गया। स्टेडियम में पानी निकासी की व्यवस्था तो है ही नहीं, अधिकारी भी यहाँ से नदारद रहते हैं। कल की बारिश थी, कल तक जो झज्जर को सिर्फ येलो जोन में ही किया गया था, आज सरकार ने और मौसम विभाग ने 6 जिलों को रेड जोन घोषित कर दिया। रेड जोन घोषित होने के बाद समझ सकते हैं कि 200 mm बारिश तक हो सकती। 24 घंटे का रेड जोन है, 24 घंटे के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। उसके बाद कल हर जगह पर पानी भर गया है, उसी में यहाँ पर 2 से 2.5 फीट पानी भर गया है। और आप समझ सकते हैं आज सुबह से बारिश नहीं हो रही है, उसके बाद भी पानी एज इट इज खड़ा है। अब ये पानी कितने दिन खड़ा रहेगा, क्योंकि निकासी का यहाँ पर कोई भी साधन नहीं दिख रहा है। डीएसओ साहब से जब हमारी बात होने की कोशिश की तो लेकिन डीएसओ साहब यहाँ से नदारद थे और वो अब यहाँ से भादुरगढ़ वो जा रहे थे। आप समझ सकते हैं अगर डीएसओ यहाँ होते पानी की निकासी कराते और आज शायद वो प्रैक्टिस एज इट इज हो जाती, लेकिन अधिकारी यहाँ पर नहीं है, बात करने तक को तैयार नहीं है और पानी एज इट इज खड़ा रहेगा। जो जिला बड़े बड़े खिलाड़ी दे रहा है वहाँ स्टेडियम के हालात ऐसे होंगे तो कैसे खिलाड़ियों की प्रैक्टिस होगी और कैसे हम खिलाड़ियों से किसी मेडल की उम्मीद कर सकते हैं। अब स्टेडियम में उन बच्चों की प्रैक्टिस नहीं होगी जो मेडल के लिए हम लगातार लोगों के लिए दुआएं करते हैं, ट्वीट करते हैं या उन लोगों को बधाइयां देते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि बच्चे कैसे प्रैक्टिस करें। आप समझ सकते हैं इस स्टेडियम में ना तो वो रेसिंग कर सकते हैं, ना वो हॉकी खेल सकते हैं, ना बॉक्सिंग कर सकते हैं। तो साहब अगर आप लोगों को हरियाणा में अगर गेम में अपनी प्रतिभा दिखानी है तो कहीं ना कहीं खुद एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर सरकार के भरोसे रहेंगे, प्रशासन के भरोसे रहेंगे तो साहब शायद आप लोगों को इसी तरह का स्टेडियम में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो वही जब स्टेडियम में भरे पानी को लेकर स्पोर्ट्स अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने कागजी कार्रवाई का हवाला देते हुए कहा कि वे विभाग को पानी निकालने के लिए लेटर लिख रहे हैं। आज तो नहीं, देखो कल बारिश शाम को रुकी है तो आप सवेरे हमने आज लेटर लिख दिया। पहले लाइट नहीं थी, लाइट अभी आई है, जस्ट अभी लेटर लिख के भेज दिया डीसी साहब को भी और जन स्वास्थ्य विभाग को जो पानी निकाल। क्या जी क्या मांगे हमने उसके बाद आए होते देखो फिर हमारी आपका कहना है कि आज पानी निकाल दिया। आज देखो हमने लेटर भेज दी और हमें बंदे को भेज के आज ही प्रयास करेंगे, आज इसको पंप लगा के आज इसका पानी निकालना शुरू करेंगे। स्टेडियम में पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है, अधिकारी विभाग को लेटर लिखने का हवाला दे रहे हैं, लेकिन इन सब लापरवाहियों के बीच उन खिलाड़ियों की प्रैक्टिस में कमी आ रही है जो भविष्य में देश के लिए गोल्ड ला सकते हैं। क्योंकि अगर प्रैक्टिस में ही कमी रहेगी तो खिलाड़ी ओलंपिक में कैसा प्रदर्शन करेंगे ये सभी जानते हैं।
यहाँ पर कोई भी ऐसा अधिकारी यहाँ नहीं दिखाई दे रहा, नगर पालिका का कोई कर्मचारी ऐसा नहीं दिखाई दे रहा कि जो स्टेडियम से पानी निकालता हुआ नजर आए। तो इसका मतलब जब अधिकारी यहाँ पहुंचे तो ही थोड़ा बहुत वो करते हुए या कारगुजारी करते नजर आए, उसके बाद वो अपने अपने जगह पहुंच गए और इसको अपने बदहाली पर छोड़ते चले गए। तो आप समझ सकते हैं कि स्टेडियम में पानी भरा है, रेड जोन घोषित हो गया, उसके बाद भी अधिकारी अपने ऑफिस में आराम फरमाते नजर आ रहे हैं। झज्जर से रमा मित्तल के साथ हरियाणा न्यूज की रिपोर्ट।